लिविन में रह रही प्रेमिका से हुआ विवाद, गुस्साए प्रेमी ने युवती के प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्ची। रिश्ते को तार तार करने वाली एक खबर सामने आई है। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सामने आया है, जहां लिविन में रहने वाली एक युवती का दुश्मन उसका प्रेमी ही बन गया। वैसे तो पिछले 2 सालों से लड़की और लड़का एक साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी में लिविन में रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि लड़का अपनी प्रेमिका का दुश्मन बन गया। पिछले दिनों युवक ने अपनी प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया। इस घटना के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता अपनी पूरी आपबीती सुना रही है। पीड़िता ने वीडियो जारी करते हुए बताया, मैं पिछले 2 साल से एक लड़के के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिव इन में रह रही हूँ। कुछ महीने पहले मेरे प्रेमी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई, जिसके बाद मेरे प्रेमी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मेरा प्रेमी मेरी इजाजत के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब मैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करती हूँ, तो वो मेरे साथ मारपीट करता है। मुझे पिछले काफी महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता ने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि मेरा प्रेमी किसी अन्य के साथ भी रिलेशनशिप में है, तो मैंने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने पर मेरे प्रेमी ने मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद मैं उसके घर पर गई और शिकायत की, लेकिन लड़के के घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि अपने गलत लड़के का साथ दिया। मुझसे कहा गया कि इस बात की शिकायत कहीं पर ना करे, मुझे पुलिस के पास जाने से मना किया। पिछले दिनों लिविन में रहने वाला युवक मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने मेरे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर मैं पुलिस के पास आई हूँ। इस मामले में बिसरख कोतवाली अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, प्राथमिक आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। जांच में पता चला है कि दोनों अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे थे। दोनों को कोतवाली बुलाया गया है। दोनों पक्षों को सामने बैठाकर काउंसलिंग करवाई जाएगी। उसके बाद आगे जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, उसको देखते हुए कार्यवाही की जाएगी।